अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक माँ और बेटे के हज का वाक्या सुनाने वाले हैं। हज पर जाते वक्त उन माँ बेटे के साथ क्या वाक्या पेश आया, चलिए हम आपको बताते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, किसी शहर में एक गरीब माँ और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला की माँ बहुत ज्यादा नेक सीरत औरत थी। अब्दुल्ला जानता था कि उसकी माँ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मगर वो अपनी ख्वाहिश का जिक्र नहीं करती। लेकिन उसने बचपन में वो ख्वाहिश सुनी थी। जब वो छोटा था तो उसकी माँ कहा करती थी कि मेरा अब्दुल्ला मुझे हज करवाएगा, जब ये जवान हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और मेरा सहारा बनेगा, तब देखना अब्दुल्ला मुझे हज करवाएगा। अब्दुल्ला अब बड़ा हो गया था और वो नौकरी करता था, लेकिन नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए उसकी माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना बंद कर दिया था ताकि इसके बेटे को परेशानी ना हो। लेकिन अब्दुल्ला ने तो अजम बांध रखा था कि वो अपनी माँ को एक दिन हज जरूर करवाएगा। अब्दुल्ला कुछ वक्त से पैसे जमा कर रहा था और उसकी माँ भी फिजूल खर्च नहीं करती थी, जो मिलता चुपचाप खा लेती। माँ इसी बात पर खुश थी कि उसका बेटा उसकी इज्जत करता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। माँ को अपने बेटे पर बहुत फख्र था। माँ अब्दुल्ला को शादी करने को भी कहती थी, लेकिन अब्दुल्ला इनकार कर देता कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन असल वजह तो ये थी कि अब्दुल्ला जानता था अगर उसने शादी कर ली तो खर्चे बढ़ जाएंगे, और जो रकम वो अपनी माँ के लिए बचा कर रख रहा है, शादी के बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा और फिर बीबी की जिम्मेदारी भी आ जाएगी और उसकी जरूरियात को पूरा करना भी जरूरी होगा। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब अब्दुल्ला ने बैतुल्लाह की जियारत के लिए पैसे जमा कर लिए। उसकी खुशी का इंतहा नहीं थी कि वो अपनी माँ की बरसों पुरानी ख्वाहिश को पूरा करेगा। उसने बैंक से सारे पैसे निकलवाए और घर की तरफ रवाना हो गया। आज वो अपनी माँ को खुशखबरी सुनाने जा रहा था। वो ये सोच सोच कर ही खुश हुए जा रहा था कि उसकी माँ को जब पता चलेगा तो वो कितनी खुश होगी। वो अपने घर से कुछ ही दूर था कि अचानक उसका दोस्त उसके सामने आ गया। वो रो रहा था और बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहा था। उसका दोस्त कहने लगा, अब्दुल्ला मेरी मदद करो, मेरा बेटा दूसरी मंजिल से गिर गया है, उसका सर फट गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा है और वो बहुत भारी रकम मांग रहे हैं, और जब तक पैसे जमा नहीं करवाएंगे तब तक ऑपरेशन भी शुरू नहीं होगा। अब्दुल्ला खुदा का वास्ता मेरी मदद करो, वो मेरी एकलौती औलाद है, मुझे बहुत अजीज है, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। अब्दुल्ला मेरी मदद करो, तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं जानता। दोस्त की बात सुनकर अब्दुल्ला का दिल रंजीदा हो गया। उसे अपने दोस्त की हालत पर बड़ा तरस आया। अब उसके दिलो दिमाग पर जंग छिड़ गई। एक तरफ माँ का हज था और दूसरी तरफ दोस्त के बेटे की जान। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी ये पैसे जमा करने में। वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं कि अचानक माँ की आवाज कानों में गूंजी। वो ये आवाज थी कि अब्दुल्ला, जब कोई तुम्हारे पास कोई मदद को आए तो मदद करने से गुरेज ना करना। अल्लाह पाक मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है और अल्लाह पाक किसी का एहसान नहीं रखता। तुम जो दोगे अल्लाह 10 गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करेगा। अब्दुल्ला ने उस लम्हे अपने दोस्त की मदद करने का फैसला कर लिया और अपनी जेब से पैसे निकालकर दोस्त को दे दिए। दोस्त उसका ढेरों शुक्रिया अदा करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ निकल गया और अब्दुल्ला अपने घर की तरफ। घर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसे खुशी तो थी कि वो अपने दोस्त के काम आ सका, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी ना कर सका। माँ ने परेशानी की वजह पूछी तो वो टाल गया। अब्दुल्ला ईसा की नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में बहुत रोया कि ये अल्लाह, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है, मैं अपनी माँ को हज करवाना चाहता था लेकिन अब नहीं करवा सकता, मेरे पास कोई वसाइल भी नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ, ये अल्लाह मैं नहीं जानता मेरा और मेरी माँ का साथ कितने वक्त का रह गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरी माँ को सब्र अता कर दे, अगर वो अपनी जिंदगी में हज अदा ना कर सके तो उसे अगली जिंदगी में हज जितना अज्र अता करना, मेरी माँ का दिल नेक है, उसे हज जितना अज्र अता करना। और फिर वो सजदे में गिर गया। अगली सुबह जब वो वापिस पहुँचा तो उसका अपना वही दोस्त मिला। अब्दुल्ला को देखते ही उसका दोस्त उसके गले लग गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। अब्दुल्ला ने नफी में सर हिलाया और कहा, तुम्हारे बेटे की जान अल्लाह के फजल से बची है। उसके दोस्त ने कहा, बेशक मेरे भाई, अब्दुल्ला का बॉस नेक सिफत शख्स था,
उनके ऑफिस में हर साल हज की कुरा अंदाजी होती थी। जिन दो बंदों का नाम निकलता तो उन्हें हज पर भेजा जाता। खुशकिस्मती से इस बार अब्दुल्ला और उसके दोस्त का नाम निकल आया, लेकिन अब्दुल्ला को ये परेशानी थी कि वो इस हज पर अपनी माँ को नहीं ले जा सकेगा। उसके दोस्त ने अब्दुल्ला की परेशानी देखी तो पूछा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहे हो, लेकिन फिर तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्ला ने अपने दोस्त को सारा वाकया बयान कर दिया। उसका दोस्त मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आज वो दिन है जब मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूं। अब्दुल्ला ने नासमझी में अपने दोस्त को देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त ने कहा, तुम मेरी जगह अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। अब्दुल्ला ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और अपने दोस्त को गले लगा लिया। और फिर अब्दुल्ला और उसकी माँ ने एक साथ हज किया। हज के दौरान एक खानदान उनके साथ हज अदा कर रहा था। उन्होंने देखा अब्दुल्ला अपनी माँ का बेहद ख्याल रख रहा है। कभी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाता है तो कभी माँ के पांव दबाता है। वो खानदान अब्दुल्ला से इतना मुतासिर हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए अब्दुल्ला का रिश्ता मांग लिया और उसका निकाह वही शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।